नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा आपको बताएं कि कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी हो चुकी हैं और लगातार ये बोनी का कार्य जारी है अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि बारिश है वो छुटपुट रूप से होती जा रही है और उसी हिसाब से किसान भाई सोयाबीन की बोनी करते जा रहे हैं। जिन किसान भाइयों की सोयाबीन का जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो गया, 10 से 12 दिन के सोयाबीन हो गया है उनके, तो उन किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उत्पादन की पहली सीढ़ी का पहला लेवल आपने पार कर लिया है, आपकी फसल अच्छी तरह से जम गई है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की बुवाई कल या परसों हुई है और यदि उनके बोरी गई फसल पे तेज़ बारिश हो गई है हवा के साथ, तो उन किसान भाइयों के मन में एक शंका सी है कि उनके बीज का जर्मिनेशन सही से हो पाएगा या नहीं। किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में भी कल बारिश हुई है और अभी तक बोनी नहीं हुई थी, तो कल बारिश हुई है और अब हम खेत पर आकर देख रहे हैं, बत्तर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे खेत में बत्तर आ जाएगा तो हम भी सोयाबीन की बुआई करने लगेंगे। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तेज़ हवा के साथ यदि बारिश होती है और सोयाबीन की बुआई को 24 घंटे भी नहीं निकलते हैं, तब उस खेत में उस प्लॉट में एक प्रकार की समस्या आ सकती है, वो आती है अंकुरण की। लेकिन किसान साथियों, थोड़ी सी बात का यदि ध्यान रख लिया जाए तो आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। यानी किसान साथियों, जितने भी हमारे क्षेत्र में सीड ड्रिल हैं, अधिकतर क्षेत्र में इसी सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है जिनके पीछे पंजियाँ लगी होती हैं। यानी दो कतारों के बीच में एक पंजी होती है जो कि जहाँ पर बीज गिरता है वहाँ पर एक हल्की सी मेड़ बनाती है। आप वीडियो में स्क्रीनशॉट में आसानी से देख पाएंगे। किसान साथियों, इस मेड़ का काम ही होता है बीज की सुरक्षा करना। और बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अभी बुवाई के समय अपने सीड्रिल के पीछे कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई पाइप का टुकड़ा लगा लेते हैं और मिट्टी को एक जैसा लेवल कर देते हैं। किसान साथियों, यदि बारिश नहीं होती है बुवाई के बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि बारिश के 24 घंटे के अंदर तेज़ बारिश हो जाती है तब इस लेवल किए गए प्लॉट में काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती है अंकुरण की संबंधित, क्योंकि तेज़ बारिश हवा के साथ गिरती है तो मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है वो काफ़ी कठोर हो जाती है, जिसके कारण एक तो हवा भी अंदर संचारित नहीं हो पाती है, दूसरा किसान साथियों, यदि पौधा अंकुरित भी हो गया तो भी वो बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। मिट्टी की परत तोड़ने में उसको काफ़ी दिक्कत आती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। और बहुत बार तो किसान साथियों, इतनी तेज़ बारिश हो जाती है, खेतों से पानी बह निकलता है, तब सोयाबीन अंकुरित नहीं होता और आधे से ज़्यादा अंदर सड़ जाता है। और आप भी अपने खेत में इस प्रकार की समस्या कभी हुई हो तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी थोड़ा सा भी मिट्टी का टीला ऊंचा रह जाता है वहाँ पर पौधे आसानी से उगाते हैं। तो मैं किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों को अभी बोनी करना है, वो किसान भाई अपने सीड्रिल के पीछे कोई लकड़ी का टुकड़ा या पाइप का टुकड़ा नया लगाए। ये लकड़ी का टुकड़ा या पाइप का टुकड़ा किसान साथियों उस समय प्रयोग किया जाता था जब हम बैलों से हाथों से उड़ाई करके नाई से बुआई करते थे। उस समय क्या किसान साथियों, बीजों को ढकने के लिए पीछे लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया जाता था, उसके कुछ पत्ते वगैरह या कुछ बांध दिया जाता था जिससे कि मिट्टी खिसक के उन नालियों में गिर जाती थी और बीज आसानी से दब जाता था, जिससे कि पक्षी वगैरह न चुगे और वो मिट्टी में दब जाए हल्का सा तो अंकुरण अच्छा, उस समय इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन किसान साथियों, ट्रैक्टर में पंजी की सुविधा अवेलेबल है सीड्रिल में, और इससे क्या होता है बीज अंकुरण भी अच्छा हो जाता है, ज़मीन पोची रहती है, जहाँ पर भी आपने नाली लगाई है वहाँ पर ज़मीन पोची रहती है और बीज अंकुरण आसानी से हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अधिक पानी भी गिर जाए तो भी दिक्कत नहीं, पानी नहीं बरसे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात किसान साथियों, यदि आप डोरा या कुल्पा चलाते हैं तब भी आपको बहुत सुविधा होती है, क्योंकि ये मेड़ पर जो पौधे जर्मिनेट होते हैं ये ऊँचे रहते हैं और जब आप डोरा चलाते हैं छोटी फसल में थी तो ये मिट्टी में दबते नहीं हैं। तो यदि आपको सोयाबीन की बुआई अभी करना बाकी है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार का लकड़ी का पटिया पाइप वगैरह कुछ भी सीड्रिल के पीछे न लगाएं, जो ऑटोमेटिक मेड़ बन रही है सीड्रिल से उसको रहने दें, ताकि यदि तेज़ बारिश भी हो जाए तो आपके अंकुरण प्रभावित न हो और आपके सभी पौधे अंकुरित हो, क्योंकि ये बहुत दिक्कत हो जाती है किसान साथियों जब इस प्रकार का अंकुरण, आधे पौधे अंकुरित होते हैं आधे नहीं होते हैं, तो किसान भाई दुविधा में रहता है कि फिर से बिजाई करें या पहली वाली फसल को रहने दें। इसलिए इस समस्या से निपटने का यही उपाय है कि आप तो सबसे पहले अच्छा अंकुरण टेस्ट वाला बीज ही बोएं और इस प्रकार के सीड्रिल में कोई पीछे कोई ऐसा सिस्टम न लगाएं जिससे कि आपके खेत में अंकुरण प्रभावित हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान साथियों, आप पीछे पटिया वगैरह नहीं लगाएंगे या आप एक जैसे मिट्टी लेवल नहीं करेंगे तो आप मेड़ मेड़ पर
रहने दें, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है और बहुत ही सुविधाजनक रहता है आपके आगे कृषि कार्यों के लिए भी। तो किसान साथियों, यदि आपको बुवाई करना है तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा आप यदि इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो अभी भी चाहे एक प्लॉट में आप करके देख लीजिएगा जो मैंने तरीका आपको बताया है, निश्चित रूप से आपको इसका अलग रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में कल बारिश हुई है और आज हम बोनी करेंगे, इसलिए ये वीडियो मैं आपको पहले जारी नहीं कर सका, और जैसे ही हम बोनी करेंगे मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, सीड्रिल की टोटल सेटिंग, किस क्वालिटी का बीज आपको कितना डालना है, कितना बड़ा बीज छोटा बीज है तो आपको कैसे सीड्रिल को सेट करना है। किसान साथियों, कृषि कार्यों में व्यस्त रहता हूँ इसलिए समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से यदि एक किसान का भी भला हो जाए, उसे इसका लाभ हो जाए, तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। तो किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।